te on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. Welcome back to the vlog and I hope you all are doing great. Aur aaj hum log ja rahe hain Almora aur abhi hum baithe hain rickshaw mein, main aur Yanchu. Sab log puri family ja rahi hai. Aadhi family aage rickshaw mein chal rahi hai aur hum log abhi peeche peeche hain. To yahan se hum jayenge taxi mein aur aapko aaj ghumayenge Almora aur nani ke liye aur to wahan pe jayenge. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, mere pressing through. लोग यहाँ पे नाश्ते के लिए रुके हुए हैं और हमारे यहाँ पे आलू के पराठे बन रहे हैं, प्लस हम लोग जा रहे हैं बाहर देखते हैं. ओ माय गॉड, व्हाट आर यू, यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं बट वाओ. ये हम लोग कहाँ पहुँच गए अभी, खैर ना करा पर हमको धक्का मत देना, फोन गिर जाएगा नीचे. वो भी इतने नीचे को लेके भी नहीं आएगा. वाह यार, जा रहे हो कहाँ लेके जा रहे हो? धारचूला से मंगाए. हाँ ये 25,000 के दोनों, 27,000 के, 27,000 का जोड़ा. यहाँ पे हमने गरम गरम मंगाई है चाय, अदरक वाली, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, प्लस मिर्ची वाली मैगी. तो सब लोग मैगी खा रहे हैं, प्लस पराठा हमने मंगाया है. यहाँ पे हमारा आ गया है चटनी. चटनी का पता नहीं भांग की चटनी है क्या ये, बस आलू का पराठा जो कि उन्होंने बहुत अच्छे पीस कर रखे, और पराठा बहुत छोटा है वैसे यार उनका. पहुंच गए हैं अपने गांव और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर. हम लोग ने अभी आके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के लिए मैं थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता किया, चाय मैगी. और बस अभी थोड़ा यहाँ का एक हमारा जो गांव का यहाँ का मंदिर है वहाँ पे बहुत टाइम से हम लोग गए नहीं थे, तो नानी ने बोला पहले वहाँ पर जाके दर्शन कर लो. तो हम लोग प्रसाद लेके आ गए और जा रहे हैं, प्लस हमें पानी भी लाना है धारे से. तो बहुत पुरानी हमारी मेरी याद है, मतलब जैसे हम बचपन में जाते थे ना पानी वानी लेने के लिए, तो हम यहाँ पे कोई ऐसा एक्वा गार्ड या ऐसा कुछ नहीं है, जो नेचुरल वाटर आता है वो अभी हम लेके आएंगे, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी. सो यस लेट्स गो, और आपको दिखाती हूँ. हम अभी पीछे आपको लग रहा होगा कि जंगल काइंड ऑफ है, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है मंदिर, क्योंकि देवी का मंदिर है ऊपर है. तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए. लोग अभी जा रहे हैं आगे आगे, पापा डब्बा लेके जा रहे हो सामने. तो हमें यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना जो पानी के डिब्बे उसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हमें जाना है ऐसे 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 करके सीधा ऊपर. तो वो सामने मंदिर दिख रहा है, हमें वहाँ पे जाना है. तो ये पूरा यहाँ से जंगल वाला एरिया है. हम लोग जो अभी आए थे वो सामने यहाँ से आए थे. चलो पापा. तो यहाँ से है शुरुआत मंदिर की. अभी तो ऊपर पहाड़ों को बहुत अच्छी धूप आ रही है, प्लस यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा है कि ओस गिर रही है और बहुत ठंडा हो रहा है. ऊपर ऊपर साइड तो बहुत धूप है अच्छी सी, अभी घर के साइड भी धूप थी. तो अभी घर पापा मिलाती हूँ, घर दिखाऊंगी आपको. तो यहाँ से होगा मंदिर शुरू. यह मंदिर यहाँ का देवी मंदिर, और एक मंदिर है वो सामने और दो मंदिर है वहाँ से ऊपर. थक गए चढ़ते चढ़ते यार, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है. हमारा घर है वो सामने, वो वाले सामने. लोग अभी जा रहे हैं पानी लेने के लिए. तो बस हम लोग अभी जाते हैं यार, गांव का ये मुझे मजा आता है कि पानी लाओ. वेलकम बैक, और आज है नेक्स्ट डे और आज हम लोग जा रहे हैं डोल आश्रम, जो कि हम आपको दिखाएंगे. सुबह बहुत भयंकर वाला ठंड हो रहा भैया, हाथ पैर बहुत टेढ़े हो गए. मैं तो कपड़े में ले गए थे मैंने हिमांश के घर पे, सो अभी आपको दिखाती हूँ पीछे से ये अर्जुन. और अभी बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा. अभी जितना टाइम निकल जाएगा, सुबह के 9 बजे हम लोग निकल गए हैं, और जितना टाइम जब भी जाएगा तो धूप शायद तब आएगी. तो अभी पीछे आपको दिखाती हूँ, तो ये पूरा कोहरा लगा हुआ है. तो हम लोग अभी जा रहे हैं
Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is डोला आश्रम पहुंच गया जो कि बहुत सुंदर है। हमने अभी मैं आपको उस पहाड़ी से दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे फोन ले जाना अलाउड नहीं है। बैग वैग सारे सबमिट हो जाएंगे अभी। सो लेट्स सी अभी क्या होता है अंदर जाके। लोग पहुंच गए हैं और इतना ठंडा हो रहा है और इतना दूर था ना ये अल्मोड़ा से, आप लेके चलो 2 घंटे का रास्ता। जितना हम नैनीताल से आए हैं उतना ही था ये। बट अभी हमको जो भैया के साथ अभी हम आए हैं, उन्होंने बोला है कि बिल्कुल फ़ोन वोन सब फ़ोन हो गया, बैग है सब कुछ, अभी वो लोग रख लेंगे। ये है, मैं बाहर से आपको दिखा दूंगी कि ये है मेन मूर्ति शिव जी की। पापा कितना सुंदर है ना। और ये है गेट। अब पता नहीं फ़ोन तो ये सब चलाए। कहाँ लिखा है आपकी जानकारी रजिस्टर में अवश्य दर्ज करें। आराम से अभी तो लेके जा ही रहे, फोन अंदर नहीं होगा मेरे ख्याल से। ओ वाह यार, ये है बहुत बड़ी मूर्ति। यहाँ से तो यहाँ पे अलाउड नहीं है क्योंकि पूरा बंद रहेगा। और यहाँ से हम लोग को जाना है। फ़ोन अभी अंदर सब सीज हो जाएंगे, अंकल ने पहले ही बोल दिया है। ये है कैंटीन वाला एरिया। ये है डोला आश्रम जो कि शिव जी का मंदिर है। और ये पूरे इनके गेस्ट हाउस है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते भी है नीचे वाले एरिया में। तो फोन यहीं से बंद करना पड़ेगा। लॉकर ये है, लॉकर यहाँ जमा करना है फोन। ओ ये है मंदिर का एंट्रेंस। यार ये तो बहुत सुंदर है यार, बहुत ज्यादा। यहाँ लॉकर है, ये है मंदिर। पहले हम लोग के हो गए हैं दर्शन और मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। तू बात कर। गाइस हमने दर्शन कर लिए हैं और मंदिर बहुत सुंदर है। मतलब मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कितना सुंदर मंदिर है। और यह है शिव जी की मूर्ति। हम लोग को अलाउड नहीं था, फ़ोन हमारा सीज हो गया था। बट अच्छा ही हुआ कि फ़ोन वहाँ पर रख दिया था क्योंकि हम दर्शन नहीं कर पाते। ये पूरा हॉस्टल से रहने के लिए नीचे इनके स्कूल से यहाँ पर बहुत सुंदर, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं यही सजेस्ट करूँगी कि लोग यहाँ पे आए और इस मंदिर को देखें क्योंकि ये सारी चीज़ें फ़ोन में कैप्चर होने वाली नहीं है। जब यहाँ पे आके देखोगे तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। आपको वी आर बैक फ्रॉम द मंदिर। और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार। हमने खूब रास्ते में अच्छा अच्छा खाना खाया और खाने का ब्लॉग मैंने बनाया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी यार, मैं भूल गई ब्लॉग करना। तो अभी बस हम लोग आए हैं ऊपर छत में बैठने क्योंकि अभी बस हो रहा है 2:30 बज रहा है। और मेरी लिपस्टिक को आधी मैंने खा दी है, आधी बची बस ऊपर ऊपर को। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा धूप में संतरे वंतरे खाते हैं। पहले हमने सोचा था कि नींबू को सानेंगे बट नींबू हमको मिला नहीं, तो हम खाली संतरे लेके आए। धूप सेकते हैं क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। हैदराबाद 3-4 दिन बाद हमें जाना है। सो आज भी हम आराम से रेस्ट करते हैं और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस हम लोग यहाँ पे आए हैं आज बुआ के घर में और हम खा रहे हैं दाल भांग की चटनी और मूली।